अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इंतहाई दिलचस्प और मुफीद वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निहार मुंह क्या इस्तेमाल फरमाया करते थे और इसकी फजीलत और अहमियत क्या है। आज तहकीक ने साबित किया है कि सुबह निहार मुंह पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले सुबह निहार मुंह पानी नहीं बल्कि माउल असल पीते थे। माउल असल किस तरह बनता है और इसमें कौन सी चीज शामिल कर ली जाए तो इसके कमालात में मजीद इजाफा हो जाता है, जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन पहले एक वाकया आपके गोश गुजार करते जाए। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे के पेट में सख्त दर्द है, दर्द से बच्चा तड़प रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे माउल असल पिलाओ। वो सहाबी घर गया और बच्चे को माउल असल पिलाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सहाबी फिर खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलल्लाह, दर्द ठीक नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि माउल असल पिलाओ। तीसरे दिन भी दर्द ठीक न होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माउल हसल ही पिलाने का हुक्म दिया। फिर चौथे दिन सहाबी ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्द ठीक नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके बेटे का पेट झूठ बोल सकता है लेकिन माउल असल झूठ नहीं बोल सकता। पांचवें दिन माउल हसल पिलाने पर सहाबी के बेटे का पेट खुलकर साफ हो गया और दर्द ठीक हो गया। इस वाक्य से आपको माउल असल की अहमियत और फजीलत का पता तो चल ही गया होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि माउल हसल किस तरह बनता है। नाजरीन, एक गिलास पानी को नीम गरम कर लें। अब इसमें एक चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। अगर आप इसके साथ 8 दाने कलवंजी के लेकर भी इसमें डाल दें तो इसकी अफादियत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और इसके इस्तेमाल से आपका निजाम इन्हिजाम ठीक हो जाएगा और सारा दिन आपको काम करने की ताकत भी मिलती रहेगी। नाज़रीन, आज की वीडियो बस इतने तक ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल खबरी टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त खुर्रम शहजाद को इजाजत दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।